तो फिलहाल खड़ा हुआ हूँ फोर्ट विलियम के बस स्टेशन पर। ऐसा छोटा सा बस स्टेशन है, ये देखो पीछे लिडल, मतलब इधर सुपरमार्केट की शॉप है लिडल, और ये मॉरिसन से यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। काफ़ी खूबसूरत टाउन लगा यार मेरे को, मतलब ये फोर्ट विलियम। ये बहुत आवाज़ कर रही है बर्ड जो है, ये वाली कबूतर। तो बहुत ही छोटा सा टाउन है, नेचर की गोद में पूरा, बहुत शांति है यहाँ पर, टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है फिलहाल ठंड में, तो गर्मी में हो सकता भरा रहता हो, पर बहुत सुकून मिला मुझे। मतलब आप यदि इंग्लैंड से देख रहे हो मेरे को या यूके से देख रहे हो और आप शांति के लिए 2-3 दिन कहीं शांति से बिताना चाहते हैं, तो ये जगह बहुत अच्छी है, नेचर की गोद में एकदम, चारों ओर पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे आपको। ग्लेन नेविस के सामने उसी हॉस्टल में रुको, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी हो, और आसपास कुछ भी नहीं है, उसके सामने वो नदी बह रही है, पुल है, और ग्लेन नेविस चढ़ना है तो एकदम सामने से ही ट्रेल है, तो इतनी परफेक्ट लोकेशन है। हॉस्टल का नाम था ग्लेन नेविस यूथ हॉस्टल, और ये जो कंपनी है इसका नाम है हॉस्टलिंग स्कॉटलैंड। तो इसके बहुत सारे हॉस्टल हैं स्कॉटलैंड में, मतलब मैंने उनका मैप देखा तो 50 से ज़्यादा हॉस्टल हैं इनके स्कॉटलैंड में। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से पोर्ट्री भी स्कॉटलैंड में, करीबन यहाँ से 4 घंटे का सफ़र होगा, और सुनने में आया बहुत खूबसूरत सफ़र है वो भी, मतलब स्कॉटलैंड ने तो मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया, क्या खूबसूरत जगह है। तो पोर्ट्री पहुँचूँगा यहाँ पर, वहाँ पर भी इनका यूथ हॉस्टल है, वहाँ रुकूँगा 2 दिन। तो मैंने वो हॉस्टल 1 दिन का ही बुक करा था क्योंकि मेरे तब श्योर नहीं था क्या करना है, तो फिर मैं देखूँ तो मिले ही नहीं कोई बुकिंग। और फिर यहाँ पर एक और सीन है, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को सब बंद रहेगा, 25 को क्रिसमस के लिए और 31 को न्यू ईयर, इसलिए सब बंद रहेगा। तो 1 तारीख को कहीं की बस भी नहीं, कहीं और जाने का भी नहीं, तो मैंने कल कॉल लगा के उनसे 1 दिन का एक्सटेंशन करवाया और कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल तो अभी आधा घंटा है मेरी बस में, तो यूँ ही टहल रहा हूँ, और ये देखो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पर। ये ऐसे ऐसे लकड़ी के नहीं है घर, पर ऐसे घर बने रहते हैं यहाँ पर। ये बस स्टॉप से यहाँ बस आएगी, ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, और ऐसी कुछ शेड है यहाँ पर बारिश हो रही हो तो। तो बस का इंतज़ार करता हूँ और निकलते हैं पोर्ट्री के लिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, ट्रैवल विद तनुज के एक और शानदार धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या खूबसूरत रास्ता है, मतलब इतना खूबसूरत रास्ता मैंने बहुत ही कम जगहों पर देखा है, मतलब ये रोड ट्रिप एकदम वर्थ है। अगर आप कार लेके आ सकते हो यहाँ पर तो बिल्कुल कार वाल लेके आओ, इतने सारे स्पॉट्स आते हैं रास्ते में कि यहाँ रुक सकते हो, वहाँ रुक सकते हो, बहुत सारे आएंगे ऐसे। ऑब्वियसली मेरे पास तो अभी कार वगैरह है नहीं यहाँ पर, या बाइक वगैरह नहीं है, तो मुझे इस तरीके से ट्रेवल करना पड़ रहा है बस वगैरह से। पर फिर भी अगर आप बस भी लेते हो तो क्या विंडो, मतलब एकदम क्लीन है यहाँ की, सब कुछ अच्छा है, और क्या नज़ारा आ रहा है दोनों साइड से। अभी नज़ारा उस साइड चल रहा है, थोड़ी देर बाद इस साइड आएगा वो, और ये बहुत ही अच्छा रोड लगा, मतलब मेरे को सबसे खूबसूरत रोड देख रहा हूँ मैं ये स्कॉटलैंड का अभी तक, इवन यूके का इंटायर। मज़ा आ रहा है, और अभी भी 2 घंटे का सफ़र बाकी है, और इतने सारे बर्फीले पहाड़ लेक्स आते रहते हैं, कासल आते रहते हैं, अच्छा लगता है देख के, नए तरीके के घर देखते हैं, तो वही नज़ारे के मज़े ले रहा हूँ। और पोर्ट्री की तरफ बढ़ रही है अपनी बस, और पूरी बस खाली है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, मज़ा आ रहा है। हाँ जी, पोर्ट्री में आपका सभी का स्वागत है। पोर्ट्री PORTEE, ये भी हाईलैंड्स में आता है, पहाड़ी है यहाँ पर भी, पर ये थोड़ा सा बड़ा शहर है। ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है, एकदम अलग ही स्टाइल का शहर है, तो इसको ही एक्सप्लोर करते हैं आज।
फिलहाल तो हॉस्टल की ओर वॉक चालू करता हूँ हर बार की तरह बस से उतर के, और फिर आपसे अच्छे से तहजीब से मिलता हूँ थोड़ा। तो ये पीछे इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ से दो समोसे, मतलब एक 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 डिश रहती है पर दो समोसे आते हैं £5 के। एक बहुत ही बढ़िया बात है कि ब्रिटिशर्स ने अब इंडियन फूड इतना अडॉप्ट कर लिया है कि हर जगह आपको इंडियन फूड मिलेगा, मतलब इवन जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स रहते हैं उसमें भी एक ना एक डिश इंडियन रखते ही हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स खाते हैं। और यहाँ से मैं वॉक कर रहा हूँ, पोटरी में ही हूँ, और एक जगह का नाम है द लंप। वो लंप एक कर्व है और वहाँ बहुत सीनिक लोकेशन है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये मेरा पीछे हॉस्टल था, वहाँ से बस 5-10 मिनट की वॉक है। और एक चीज़ बहुत ही वियर्ड लगी मुझे, यहाँ पर चेक इन टाइम है 4 बजे, अंधेरे में चेक इन है मतलब, और सुबह 10 बजे चेकआउट बोल देंगे, अंधेरे में चेक इन, उजाले में चेकआउट, ऐसा है इधर। अब 4 बजे तो अंधेरे ही हो जाता है, पता नहीं बहुत वियर्ड टाइम लगा। कुल मिला के मैंने तो बड़ा बैग पटका वहाँ पर और आ गया, और ये देखो आप इस लेन में हूँ मैं। उधर बने हुए हैं घर, इधर बने हुए हैं घर, और ये है लॉच, लॉक लेक, ये दिख रही होगी आपको। तो उधर ही आगे की ओर वॉक कर रहा हूँ, बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, मौसम ठीक है ड्रोन उड़ाने के लिए। अभी ड्रोन उड़ाने की कोशिश करता हूँ, पहले तो खाऊँगा, भूख बहुत लग रही है, सुबह तक कुछ ज़्यादा खाया नहीं खास, चलता हूँ कहीं सीट मिलेगी तो बैठ के खा लेता हूँ पहले। तो यहाँ से आया और मैं ऐसी कुछ जगह आ गया हूँ, ऊपर हाइक करके जाना है थोड़ा बहुत। काफ़ी ऊपर आ गया यार, मस्त व्यू आएगा अब यहाँ से तो, क्या शानदार दिख रहा है उस साइड, चलते जा रहा हूँ। ओ ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है, घर कितने अच्छे बने हुए आप तो ये देखो। वाह क्या पुराने पुराने घर वगैरह बने हुए हैं, क्या पता कहाँ पहुँचेगा ये रास्ता। अरे तेरी की, तो फिर नीचे आ गया मैं। अच्छा तो ये वॉकिंग का एक ट्रेल ही है, या तो मैं कुछ गलत भटक गया कहीं, यहाँ पर ये चर्च आ गया, फिर से रोड पर आ गया मैं। गजब। तो पोल्ट्री में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, पर फिर भी मैंने यहाँ पर 2 दिन बुक करे क्योंकि कल है 1 तारीख, और 1 तारीख को यहाँ पर सब कुछ बंद है, बसेस वगैरह सब कुछ, तो कहीं जा ही नहीं पाता मैं, तो मुझे ये हॉस्टल एक और दिन के लिए बढ़ाना पड़ा, वरना मैं यहाँ से कहीं इनवरनेस या कहीं और निकल जाता। फिलहाल तो वो जो घर हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं, जो फ़ोटो में देखे थे मैंने, वो देखने के लिए नीचे जा रहा हूँ, और फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ उनको सिनेमैटिक व्यू में। हार्बर यार ये वाले घर दिखेंगे आप गूगल पे आइल ऑफ स्काई या पोर्ट्री सर्च करोगे तो ये वाले घर दिखेंगे। देख सकते हो वहाँ से मैं वॉक करके आया आगे से, तो ये बहुत सुंदर दिखती हैं, ये होटल है, ये दिख रही है आपको, लाइन से कलर्ड बनी हुई है बहुत सारी बिल्डिंग्स, येलो पिंक ब्लू। तो वही मैंने आपको ड्रोन शॉट से दिखाने की कोशिश करी, बहुत अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स आए, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। तो और देखते हैं अभी कल क्या कर सकते हैं, वैसे कल सब कुछ बंद है क्योंकि 31 तारीख को मज़े करेंगे, न्यू ईयर बनाएंगे, तो कल सब कुछ बंद रहेगा। पीछे कुछ इंडियन लोग मिल गए थे, आंध्र प्रदेश के बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, यूके में हैदराबाद बहुत सारे लोग मिलते हैं आंध्र से, तो उनके लिए एक ड्रोन शॉट ले लिया, बोल रहे थे कि हाँ मेरा भी ले लो एक, तो ले लिया, खुश हो गए सबके सब, ड्रोन शॉट मिल गया। तो एक बार मैं पास से आपको दिखा देता हूँ ये बिल्डिंग्स, ये देखो ये कुछ चैरिटी शॉप वगैरह है यहाँ पर, ब्लेथ्सवुड केयर,
और ये रेस्टोरेंट है येलो वाला, सी ब्रीजर्स। और ये भी कुछ होटल वगैरह हैं ऐसे, यहाँ पर देख सकते हो आप। उधर बीच है पर पूरा कीचड़ कीचड़ वाला बीच है वो। और यहाँ पर एक कलरफुल कलरफुल बोट्स लगी हुई हैं, ये वाली देखो आप, तो मस्त दिख रही है ना, मस्त। तो ऐसा कुछ शहर है ये पोर्ट्री। मेरे हिसाब से आओ तो एक दिन से ज़्यादा के लिए मत आना, होता मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे एक्सटेंड करना पड़ गया। यही है क्योंकि यहाँ पे और आसपास ज़रूर जैसे बोट टूर वगैरह ये सब होंगे तो मैं कल देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ तो, वरना कोई बात नहीं कहीं ना कहीं निकलेंगे परसों। और फिर मेरे को एक दो दिन और है, फिर मैं लंदन वापसी मारूंगा। अब बहुत समय हो गया है क्योंकि बजट भी नहीं है और सही बताऊँ देखो पैसे भी नहीं बचे हैं अब, और लंदन पहुँचना है, जो भी थे पैसे वैसे सब उड़ा दिए। और कॉलेज भी चालू होने वाला है 8 तारीख से, तो पहुँचना ही है अब तो। लंदन हो गया मेरा बस, अब वाले दिन नहीं रहे कि एक एक महीने तक ट्रैवल कर रहा हूँ, अब पहुँचना है वहाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा पहुँचना। तो अब 3 बज गए हैं, 1 घंटा अभी भी चेक इन में, तो थोड़ा सा और सिटी वगैरह में वॉक करूँगा। और अब चेक इन की जल्दी भी नहीं है, दिन का ही समय है, तो जब जाना तब जाऊँगा, चेक इन तो रात को भी हो जाएगा। सामान वहीं पड़ा है, स्कॉटलैंड वैसे मुझे सेफ लगा, इंग्लैंड भी होगा मुझे नहीं पता क्योंकि लंदन तो इतना सेफ नहीं है। स्कॉटलैंड में कुछ टूरिस्टिक प्लेस है, कौन क्या ही करेगा, बहुत अच्छी अच्छी लेन्स है सिटी में, ये तो है कि बहुत फोटोजेनिक सिटी लगी मुझे, घूमो वॉक करो। ये देखो पोट्री नेटवेयर, बहुत ये देखो इतनी साइज की रोड है यहाँ पर, कॉफी शॉप्स। तो घूमते फिरते वही बस स्टैंड आ गया, और बस अभी भी खड़ी हुई है, यही वाली बस से आया था मैं। ये देखो तो ये है यहाँ का बस स्टेशन या पार्क बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक बस स्टॉप है बस यहाँ पर। कुछ ज़्यादा लोग नहीं होंगे, छोटा सा ही टाउन है, बहुत छोटा सा टाउन दिखा रहा हूँ ये मैं आपको, यूके का, स्कॉटलैंड का। और ये ऐसा कुछ एरिया जहाँ पर मैं वॉक कर रहा हूँ। अब ये बिल्डिंग देखो, ये बिल्डिंग देख के तो ऐसा लगेगा कोई का घर है या होटल वगैरह है, पर ये बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की बिल्डिंग है। बांका ना अल्बा, अल्बा मतलब स्कॉटलैंड को शायद अल्बा बोलते हैं, बहुत सारी जगह लिखा रहता है। तो स्कॉटिश भी अलग लैंग्वेज है इनकी, इंग्लिश तो सब समझते हैं, पर स्कॉटिश भी इनकी एक लैंग्वेज है जो बोली जाती है यहाँ पर, जो कि इंग्लिश से सिमिलर नहीं, अलग ही है। तो सुंदर सुंदर बेकरी वगैरह बनी हुई है, ये देखो। तो सुंदर सुंदर पब बार बेकरी वगैरह, छोटी छोटी शॉप्स विंडो शॉपिंग के लिए। तो आप समझ जाओ, हिंट लगा लो किस टाइप का टाउन है, पहाड़ों के जो रहते हैं छोटे छोटे टाउन टूरिस्टिक, और खाली है, टूरिस्ट भी नहीं है अभी तो। हॉस्टल भी हैं यहाँ पे, 2-3 हॉस्टल हैं, मैं रुका हुआ हूँ यूथ हॉस्टल में, एक ही सामने दिख रहा है मेरे को, पोट्री इंडिपेंडेंट हॉस्टल। अरे तो मेरा हॉस्टल के उधर ही आ गया मैं घूम फिर के, मतलब बहुत छोटा टाउन है ये, वो जो हॉस्टल दिखाया, और ये मेरा हॉस्टल, हॉस्टलिंग स्कॉटलैंड कंपनी का पोट्री यूथ हॉस्टल। तो ये हॉस्टल बढ़िया तो है कि नहीं, ये तो अभी अंदर जाके पता चलेगा, पर बहुत छोटा है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मैं इसकी एंट्रेंस उस साइड है पर ज़्यादा बड़ा नहीं। पर जो फोर्ट विलियम का था ना, वो भाई क्या हॉस्टल, मतलब वापस आने लायक हॉस्टल में से एक ही हो। कुछ हॉस्टल की एक मैं लिस्ट रखता हूँ कि यहाँ पर एक कभी ना कभी वापस आना है, भले ही जाता नहीं हो पर जाना है। तो थोड़े से नाम बताता हूँ हॉस्टल में आपको, एक तो हॉस्टल सिक्किम में को वापस जाना है, हॉस्टल पोखरा वापस जाना है, बिग बियर लेक जहाँ पर मैं एक महीना रहा था यूएस में, वहाँ पर तो जाऊँगा ही जाऊँगा वापस, वहाँ भी जाना है। एक फोर्ट विलियम वाला तो वापस आऊँगा मैं, अब तो यूके में ही हूँ तो देखूँगा। ऐसा कुछ कुछ हॉस्टल है जहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि लंबा स्टे करने का मन करता है। और यूके और यूएस का मैं बता सकता हूँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इन लोगों की, कि पार्किंग इतनी बड़ी बड़ी रहती है क्योंकि लोग इतने नहीं है ना, इतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो ये देखो आप कितनी बड़ी पार्किंग है, पूरी खतरनाक। और कैंपर वैन की भी पार्किंग आपको यहाँ पर हर जगह मिलेगी, क्योंकि कैंपर वैन का कल्चर अभी इंडिया में आया नहीं है इतना, और इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। पर यूएस में तो तगड़ा कल्चर है कैंपर वैन का, यूरोप में तगड़ा कल्चर है, और यूके में भी अच्छा खासा कल्चर है कैंपर वैन का, पर इंडिया में आएगा ये मेरे को पक्का पता है, नहीं तो लेके आएंगे। खूबसूरत पहाड़, अमेजिंग, क्या दिख रहा है होराइजन, वो पहाड़ बहुत ही खूबसूरत है।
तो ऐसा कुछ है, मेरी हॉस्टल की एंट्रेंस इधर ही है, वो पिछौड़ा दिखाया था मैंने आपको इसका, और यहीं पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है तो इंडियन ही खाऊंगा मैं, क्योंकि देखो यहाँ पर रेट का कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ कंट्रीज ऐसी रहती हैं जहाँ का उनका लोकल फूड सस्ता रहता है, और कुछ आपको फैंसी चीज़ चाहिए तो महंगी मिलेगी। जैसे इंडिया में आप जापानीज रेस्टोरेंट में जाओगे तो इंडियन फूड से महंगा ही रहेगा, पर यहाँ पर इंडियन फूड भी वही रेट का जितना इनका दूसरा फूड है, सेम ही रेट का पड़ता है, कोई महंगा नहीं कहेंगे, सस्ता भी पड़ जाता है इंडियन। और तो मैं दो ही चीज़ें खाता हूँ यहाँ पर, पिज़्ज़ा बर्गर खाऊंगा या तो यहाँ मैं इंडियन फूड खाऊंगा, उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन मैं, क्योंकि नॉनवेज इतना खाता नहीं हूँ तो बचता नहीं है मेरे लिए, तो इंडियन रेस्टोरेंट में को मिल जाता तो आज रात को भी यहीं खा लूँगा मैं इंडियन रेस्टोरेंट में। 8-10 pounds का खाना पड़ेगा मेरे को वहाँ पर। ये आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ पर पोर्ट्री नाम की सिटी में, स्कॉटलैंड में, तो काफ़ी अमेजिंग लगी यार मुझे ये कंट्री स्कॉटलैंड, क्या खूबसूरत जगह है मतलब। और यहाँ पर मैं नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ, तो आज है न्यू ईयर का दिन, तो सभी को मेरी ओर से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ज़्यादा चीज़ें बंद है क्योंकि बैंक हॉलीडे है आज, तो लोग यहाँ पर आराम करेंगे और साल का पहला दिन एंजॉय करेंगे। तो स्कॉटलैंड तो मुझे बहुत ही अमेजिंग कंट्री लगी यार अभी तक, मतलब इतनी आइसोलेटेड कंट्री है ये, प्योर नेचर है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा साफ सफाई पूरा, और वेदर मेरे को ठंड पसंद है तो अच्छी ठंड का माहौल रहता है यहाँ पर, बहुत शांति है, सुकून है, छोटे और ये पहाड़ों के बीच में पानी की नहर हर जगह दिखेगी आपको, पानी की नहरें बहती रहती है। तो बस प्योर नेचर के मज़े जिन लोगों को लेने हैं तो उन लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा मैं कि स्कॉटलैंड आओ, बहुत ही प्यारी जगह है। और यूके में जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे भी यही बोलूँगा कि स्कॉटलैंड ज़रूर आना जब तक आपका कोर्स चल रहा है, इस बीच में जब भी टाइम मिले, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जितना भी टाइम मिले स्कॉटलैंड ज़रूर आओ। ज़्यादा दूर नहीं है, लंदन से 12 घंटे की बस है, रात को बैठो सुबह स्कॉटलैंड, और फ्लाइट जाना है तो फ्लाइट भी बहुत सारी है। अब ये देखो उधर ये छोटा सा शहर बसा हुआ है, ये कैंपर वैन की पार्किंग है, यहाँ पर कैंपर वैन ला सकते हैं जो लोग करते हैं वाला एडवेंचर। और ये नहर बह रही है पानी की, वहाँ पर कुछ घर है, काफ़ी शांति काफ़ी शांति। मैं थोड़ा सा चुप होता हूँ, आप साउंड सुनना बस, और आपको बस ये नहर की आवाज़ आएगी और बर्ड्स वगैरह की आवाज़ आएगी। तो बस बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, इस नदी को ही देख रहा हूँ, और मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और उधर एक बर्फीला पहाड़ है जो अभी ढक गया है बादलों के कारण, वरना वो भी दिख रहा था, तो बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ पर। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे नेचर में बैठने का और यहाँ की हवा को फील करना, यहाँ के वेदर को फील करना, और ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लगा मुझे, मज़ा आ गया, मतलब मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया यहाँ आकर। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिख दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये पूरी सीरीज आपको कैसी लग रही है स्कॉटलैंड की। तो हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो ट्रैवल विद अनुज को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। जल्दी से 10,000 करवा दो, 10,000 होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र, तब तक के लिए अलविदा।